Hello. Today we will continue 1.6 of class 11. Chapter number 1 that is sets. हमने chapter sets start किया था जिसमें हमने 1.6 के first 5 questions कर लिए थे. आज हम उसे next करेंगे 6th question. उससे पहले थोड़ा सा revise करते हमने किया क्या था 1.6 में एक formula देखा था हमने. वो क्या था? Number of इसको हम क्या बोलते थे? Number of people के लिए use करते हैं. Number of people in like A. ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पीपल इन ए प्लस नंबर ऑफ पीपल इन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल इन देयर इंटरसेक्शन प्लस नंबर ऑफ पीपल इन देयर यूनियन. सो ये फॉर्मूला हमने किया था. बेसिकली हमने इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते कैसे लिखते हैं वो भी सीखा था. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो इसी से आगे कॉन्टिन्यू करेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद है अभी तक कैसे हमने किया था. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारे पास. उसमें क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों का एक ग्रुप है हमारे पास. मतलब ये क्या दिया हमें? टोटल दिए हुए हैं. वो हमें क्या दिया है? ये दिया हुआ है नम ए यूनियन बी. ठीक है, यूनियन दिया 70 पीपल, टोटल दिए हुए हैं, तो मतलब मेरे पास ये यूनियन की बात हो रही है. ओके, नेक्स्ट है 37 पीपल लाइक कॉफी. अब कॉफी की बात हो रही है एंड टी की बात हो रही है. क्वेश्चन में कॉफी एंड टी की बात हो रही है. 37 पीपल है जो उन्हें पसंद है कॉफी, तो मतलब नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी इज 37. ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास 52 लाइक टी. 52 को टी पसंद है. अगर 52 को टी पसंद है तो मतलब नंबर ऑफ पीपल लाइक टी इज 52. ठीक है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. अब हर पर्सन को कोई ना कोई ड्रिंक पसंद है. हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी. अब ऐसे कितने पर्सन है जिन्हें दोनों ही पसंद है? अब हमने फाइंड करना है. तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या फाइंड करना है? हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड किया, बट वो कैसे पता चलेगा? इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं? कॉमन पार्ट लिखते हैं. एक साइड पे पर्सन पड़े हैं जिन्हें कॉफी पसंद है, एक साइड पे जिन्हें टी पसंद है. अब जिन्हें दोनों ही पसंद है वो इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे. वैसे भी यहाँ पे क्या है, एंड कॉफी एंड टी, एंड मैंने आपको बताया किसके लिए यूज होता है? इंटरसेक्शन के लिए. तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पीपल लाइक्स कॉफी एंड टी बोथ. तो यहाँ पे इसको कॉफी एंड टी की फॉर्म में लिख लेते हैं. कॉफी टी कॉफी इंटरसेक्शन एंड यूनियन में कॉफी एंड टी का यूनियन. ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल. तो यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है? यूनियन, वो 70 लिख लिया मैंने. 37 लाइक कॉफी, तो नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी कितने थे? 37 प्लस नंबर ऑफ पीपल लाइक टी इज 52 एंड नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी एंड टी बोथ इज दिस. ठीक है, तो हमने ऐसे लिखे. अब इसको इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी. तो चलिए ये करते हैं. प्लस 70 तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से? नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी इज इक्वल्स टू 19. ठीक है, ये आ गया मेरे पास आंसर. सिंपली आपको सिर्फ एक जो एक क्वेश्चन समझ आने की बात है. क्या फाइंड करना है आपको? सिंपली याद है, एक साइड पे दोनों रख लिए, एक साइड पे इंटरसेक्शन एंड यूनियन रख लिए. ठीक है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो वो फॉर्मूला. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल. अब यहाँ पे आपको ये क्लियर है कि ग्रुप ऑफ 65 पीपल का मतलब क्या है? कि ये यूनियन गिवन है, टोटल गिवन है. तो मैंने सिंपली इस फॉर्मूले में क्या किया, यूनियन की जगह 65 लिख दिया. 40 लाइक क्रिकेट, 40 पीपल ऐसे हैं, 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट पसंद है. तो नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट इज 40, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 40. 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. अब बोथ क्रिकेट एंड टेनिस मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन गिवन है, तो वो
लिख दिया मैंने 10. नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस इज 10. हाउ मेनी लाइक ओनली क्रिकेट, इस पार्ट को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं हाउ मेनी लाइक टेनिस. तो यहाँ से हम टेनिस फाइंड कर सकते हैं, वो आ गया हमारे पास यहाँ पे, सिंपली हमने फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस इज 35. तो उससे आगे हमने देखना है अभी हाउ मेनी लाइक ओनली क्रिकेट, जो सिर्फ क्रिकेट को पसंद करते हैं, नॉट टेनिस. ठीक है, ओके. तो वो क्या होगा, हम उसको डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. होगा क्या, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट एंड नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस. ठीक है, ये अब मेरे को क्या क्या गिवन है वो देखते हैं. ये क्या 65, इन दोनों का यूनियन, ये दोनों मिला के कितना है 65. 40 लाइक क्रिकेट, मतलब ये जो सर्कल है ये वाला, इसमें क्या है 40 लोग आ रहे हैं, 40 पीपल. 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब बोथ मतलब इंटरसेक्शन में आ रहे हैं. तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है मेरे पास वो कितना है 10 है. तो मतलब मेरे पास ये जो पार्ट बन रहा है ये कितना है 10. ठीक है, एंड उसके बाद क्या है हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट, ये फाइंड करना है हमने. तो यहाँ पे ये देखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस, हमने यहाँ पे फाइंड किए थे वो कितने आए थे 35 आए थे. मतलब ये जो सर्कल है मेरे पास ये है 35. ठीक है, इस सर्कल में अब ये भी आ रहा है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी तो आ रहा है, बट मुझे चाहिए सिर्फ जो लोग टेनिस पसंद करें. इंटरसेक्शन में तो ये क्रिकेट वाले भी साथ में आ जाएंगे ना, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं. तो अब टोटल में से अगर मैं इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ ओनली टेनिस वाले बच जाएंगे. तो मैं वही करती हूँ, मेरे पास टोटल कितने थे 35 थे मेरे पास टोटल, और 35 में से मैंने क्या किया इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दिए, तो मेरे पास क्या बचे 25 पीपल. तो वो 25 पीपल ऐसे हैं जो ओनली टेनिस को पसंद करते हैं. नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली टेनिस, यस ओनली टेनिस आया. अब हमने फाइंड भी करना ओनली क्रिकेट, वो भी ऐसे ही कर लेंगे. यहाँ पे क्या था टोटल 40 थे, और उसमें मैं क्या करूंगी इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दूंगी, 40 माइनस टेनिस 30 आ जाएगा मेरे पास. यहाँ पे वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को पसंद करते हैं और वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं वो 25. अब वहां पे आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी आता है, चाहे क्रिकेट चाहे टेनिस, आप कर लोगे इजीली. आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा. इन अ कमेटी 50 पीपल लाइक फ्रेंच. अब 50 पीपल क्या लाइक करती है, फ्रेंच को लाइक करते हैं. नंबर ऑफ पीपल लाइक फ्रेंच इज 50, और 20 पीपल 20 स्पीक स्पेनिश एंड स्पीक स्पेनिश वाले कितने हैं 20. नंबर ऑफ पीपल स्पीक स्पेनिश इज 20, शायद मैंने वहां पे लाइक बोल दिया स्पीक. एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच. अब हमें पता बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, इसका मतलब क्या, हमें क्या गिवन है इंटरसेक्शन गिवन है. ये तीनों चीजें तो मिल गई, अब यही फाइंड करनी होगी. देख लेते आगे, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज. एट लीस्ट की बात करें मतलब चाहे वो फ्रेंच बोल रहा हो, चाहे वो स्पेनिश बोल रहा हो, चाहे वो दोनों ही बोलता हो, एटलीस्ट. और यूनियन हमारा ऐसा होता है, लेट्स से ये फ्रेंच के लिए ये स्पेनिश एंड यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, फ्रेंच चाहे वो फ्रेंच बोल रहा हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो फ्रेंच एंड स्पेनिश दोनों हो. ठीक है, स्पेनिश ओके. उसके बाद हमारे पास क्या है, तो हमने यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने यूनियन जो है वो फाइंड आउट करना है. तो उसको कैसे करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 60 आएगा. नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन फ्रेंच एंड स्पेनिश हमारे पास क्या आ गया 60.
तो सिंपली हमें यहाँ पे यूनियन फाइंड करना था, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए कहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करें कहाँ पे यूनियन की। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का एंड चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास मिसलेनियस आती है जो आपकी एनसीईआरटी में, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक का भी एंड टेलीग्राम का भी, ठीक है। और मिसलेनियस में सेम ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो आपने अभी तक किए हैं। तो हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा और हमने एक भी चीज को क्रैमिंग नहीं करा, हमने हर चीज को समझा। आपको कुछ भी याद नहीं करना इस चैप्टर में, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग से याद नहीं है चैप्टर। आई होप आपने साथ साथ में ये वीडियो सारी देखी है तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा, ठीक है। तो हम अब इससे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।